लक्ष्मिंदर ब्लॉग भाई के चैनल को सब्सक्राइब करें। भाई बहुत बहुत अच्छे आदमी हैं और उससे समंदर पे मिले हैं और यहाँ जो भी मिलते हैं बहुत प्यारे इंसान होते हैं। तो यहाँ तक आए हैं और आप इन तक पहुँचिए लक्ष्मिंदर जी। जी थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। मिल रहा हूँ मैं पहली बार किसी एक्टर मिल रहे हो और ये समंदर है भाई, ये मुंबई की पहचान है, ये यही है। ठीक है सर, मिलेंगे हमेशा यहाँ पे, मैं मिलूंगा ही हमेशा। इसलिए मुंबई और प्रदीप काबरा, समंदर और प्रदीप काबरा दोनों का मेल है और सर का मेल हो गया। ठीक है, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। अच्छा हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग मुंबई की गलियों से। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और गाइस मैं बता दूं, अभी मैं यूट्यूबर अमित भैया के घर पे हूँ और हम लोग निकल रहे हैं क्योंकि फ्लैट के जस्ट बगल में बीच है, समुंदर। तो गाइस वहाँ का नज़ारा दिखाते हैं वो आपके लिए। ये भैया वेट कर रहे हैं, निकलते हैं। तो मुंबई की गलियों से निकल के हम लोग इस समय पहुँच गए हैं सड़क पर और मुझे नहीं लग रहा है कि अमित भैया की नींद पूरी हुई है क्योंकि चेहरा देख के पता चल रहा है। मेरी वैसे नहीं ना? अरे नहीं बाबू, रात में डॉक्टर रहता है। छोटा हीरो परेशान करता रहता है, अभी काफ़ी छोटा है और मैंने भी सुबह जगा दिया भैया को क्योंकि मुझे घूमना था बीच पे, क्योंकि यार निकलना है घर पे भी, वहाँ पे भी काम है ज़्यादा, नहीं तो मैं रुकता भैया के यहाँ 2-3 दिन अभी और, क्योंकि यहाँ पे बहुत मज़ा आ रहा है। ये आ गए हम लोग मेन सड़क पर और ये हम पहुंच गए बीच पे। मैं बता दूं गाइस, अमित भैया के फ्लैट से मात्र 2 मिनट की दूरी पे है ये बीच और ये सामने आप देख सकते हैं गाइस, बहुत ही शानदार नज़ारा। यहाँ पे अपना घर हो तो आराम से आओ, सुबह सुबह टहलो, मज़ा ही मज़ा। ओ तेरी भैया, हम लोग कल शाम को आए थे तो पानी कहाँ था? पानी वहाँ तक था, बहुत ज़्यादा अंदर था पानी, अभी यहाँ तक आ गया है। ये देख सकते हैं गाइस लहरें, ठंडी ठंडी हवा। अरे बोला था ना पानी यहाँ तक आ जाता है। हम लोग शाम को आए थे गाइस, तो मैंने शाम को ब्लॉग शूट कर रहा था तो दिखाई नहीं दे रहा था। इस समय मैं बोला था कि सुबह मैं शूट करूँगा ब्लॉग और ये सुबह मैं कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं नज़ारा बीच का। अब पिछले ब्लॉग में मैं जूहू चौपाटी का दिखाया था लेकिन सबसे बेटर मुझे यहाँ लग रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ उतना भीड़ भी नहीं है। वाव, गाइस मैं रात में आया था यहाँ पे शाम को, तो आप जो देख सकते हैं वहाँ तक वो जो लहरें वहाँ तक पानी नहीं था। अभी को हम लोग जब सुबह आए तो देख रहे हैं पानी यहाँ तक आ गया, नहीं तो मैं सोचा था वहाँ पे वीडियो बनाऊंगा। और भैया कुछ शूट भी कर रहे हैं ऐसे बैठ के गांव की तरह, स्लो मोशन शूट कर रहे हैं, स्लो मोशन वीडियो। क्या बोलेंगे भैया? क्या बोलूँगा, तू बता कैसा लग रहा है यहाँ? अरे मज़ा आ गया, मैं तो सोच रहा हूँ टिकूँ यहीं 1 महीना, लेकिन क्या करेंगे, जिम्मेदारी भी है। ये भैया आईफोन से शूट कर रहे हैं कुछ स्लो मोशन वगैरह, मेरा भी किए हैं तो आप एडिट करके भेज दीजिएगा। गाइस यहाँ पे उतनी भीड़ नहीं है बीच पे क्योंकि भैया का जस्ट सामने फ्लैट भी है, वो रहा जस्ट सामने तीसरे माले वाला, तो काफ़ी अच्छी जगह पे है भैया, काफ़ी खर्च भी है इनका। मैं बता दूँ इनका कितना जाता है भैया? 1 लाख रुपये महीना है। 1 लाख रुपये महीना वो रेंट, रेंट जाता है गाइस, आप सोच लीजिए। अगर आप अच्छा व्यू देखने को मिला है ना, इसलिए इतना महंगा रेंट है यहाँ पे। तो मज़ा है यार, ये देख सकते हैं गाइस लहरें, डर लग रहा है कहीं खींच ना ले जाए। ये देखो इधर बोटिंग भी हो रही है, बोटिंग तो बोटिंग करने चलते हैं लेकिन समय नहीं है। भैया बोल भी रहे थे कल की बोटिंग करेंगे, वहाँ जाना पड़ेगा हम लोग, काफ़ी दूर है। शाम को होगा ना, क्योंकि अरे तरी अरे यार भीग गया, अब ये भीग गया, पूरा पैंट भीग गया। हाँ पानी आगे तक है, बोट खड़ी है बीच में। अच्छा तो हो ही पाएगा, शाम को होगा 4 बजे जब पानी थोड़ा सा नीचे जाएगा। हाँ तो फिर कभी। ये नज़ारा बीच का गाइस, उस साइड है, उस साइड सारा जो आप लोग देख रहे हो, इधर देखा इधर देखा, जो उस साइड आप लोग देख रहे हो पूरा वो यहाँ पे लेके मार, उधर सब फिल्मों की शूटिंग होती है और सीरियल की शूटिंग होती है। यहाँ पे मैं भी कुछ करने जाता हूँ, क्रॉस करके जाना पड़ता है, यहाँ से गाँव लोगे वहाँ तक छोड़ेगी, उसके बाद तेरी देख सकते हैं। भैया बता रहे हैं ये वहाँ जितने भी यहाँ से लेकर वहाँ तक सारे अभिनेता अभिनेत्री रहते हैं और फिल्मों की शूटिंग भी होती है
और भी भैया बता रहे थे वो जो बिल्डिंग में कल बता रहे थे कौन से पंकज त्रिपाठी अभिनेता वो रहते हैं और रहेजा और ये एक सामने बिल्डिंग है। भैया कौन से हीरो बता रहे थे आप? विद्युत जापाल, वो जो कमांडो 3 में रहता है। तो देखने को तो नहीं मिलेंगे, शायद सुबह हम लोग आते तो देखने को मिलते हैं अभिनेता। ये नज़ारा बीच का, तो बढ़ते हैं गाइस और आगे क्योंकि बहुत मज़ा आ रहा है बीच पे। इधर रेत के तरफ चलते हैं हम अमित भैया के साथ, यूट्यूबर अमित भैया के साथ आज घूमने का मौका मिला है और घुमा भी रहे हैं भैया, और भी घुमाते, बोल रहे हैं रुको लेकिन नहीं, कुछ काम भी है इसलिए मैं रुकूंगा नहीं। ये देख सकते हैं लहरें। भैया आप एक काम करिए ना, अपना और भाभी का ऐसे दिल बना के नाम लिखिए ना, मैं बहुत से वीडियो देखता हूँ लोग लिखते हैं यहाँ पे, करिए। अरे पागल पत्नी करिए, तो देखते हैं लहरें आते कि नहीं। जितनी लहरें आएंगे सब मिटा के चले जाएंगे, शादी खराब नहीं करनी। अरे ऐसा नहीं होता है। आवाज़ सुनिएगा इसी लहरों की आवाज़। मैं भीग चुका हूँ बिल्कुल पूरी तरह से, ये पैंट पूरा भीग गया है मेरा, जींस, लेकिन मजा भी आ रहा है बीच में। ये हो तेरी भैया अपने धुन में, अमित भाई अपने धुन में। देख यहाँ पे ना वो शूटिंग हुई थी हेरा फेरे की। अच्छा ये बंगले में, ये गाइस भैया बता रहे हैं जो बंगलो देख रहे हैं आप पहले, मैं जूम करके दिखाता हूँ। ये यहाँ पे फिर हेरा फेरे की शूटिंग हुई थी, तो काफी नया नया चीज देखने को मिल रहा है, बहुत मजा आ रहा है। सपनों की दुनिया मुंबई, सेवा समाप्त। ये गेंद मिल गया, ये देखिए भैया की किस्मत, गेंद मिल गई इनको, छोटा हीरो खेला फूटा हुआ है। तो गाइस आप अपनी वो ला सकते हैं जो देख रहे हैं, हंस रही ताकि इधर। हाँ वांटेड में जो हीरो रहता है, वांटेड में, हाँ मैंने देखा था, राधे कौन है, हाँ उससे मिलवाते हैं। गाइस बहुत ही खुशी की बात है, वो जो आप वांटेड मूवी देखे हैं उसमें जो बोलता है ना कि राधे कौन है, तो जस्ट सामने गाइस आप देख सकते हैं, तो वो वार्म अप कर रहे हैं, मिलवा भी रहा हूँ उनसे। कौन है? प्रदीप काबरा। तो चलते हैं गाइस, आपको ही मिलवाते हैं। ये गाइस अमित भैया बात कर रहे हैं, अच्छा आदमी यार, कर रहे थे तो अभी भी आया है, तो मैं कल शाम को भी आया था, मैं भैया से बोला था कि प्लीज आप मिलवाओ, एक बार मिलाओ, तो तभी मैं निकला हूँ। अच्छा गाइस आप लोग पहचानते ही होंगे, बहुत अच्छा गाना आपने खुद देख लिया, बहुत सी मूवी में इन्होंने काम किया है। उसके लिए बोल दो कि सब्सक्राइब कर ले, लक्ष्मींदर ब्लॉग, लक्ष्मींदर जी लक्ष्मींदर ब्लॉग भाई के चैनल को सब्सक्राइब करें। भाई बहुत बहुत अच्छे आदमी हैं और उनसे समंदर पे मिले हैं, और यहाँ जो भी मिलते हैं बहुत प्यारे इंसान होते हैं, तो यहाँ तक आए हैं और आप इन तक पहुँची है लक्ष्मींदर जी। थैंक यू सो मच सर, मिल के बहुत अच्छा लगा सर, फिर मुलाकात होगी। हम तो गाँव में हम लोग रहते हैं। अरे वाह जी, कौन सा गाँव है? मेरा गोरखपुर। जी, बहुत प्यारी जगह है, गोरखनाथ का मंदिर। हाँ जी, आइए कभी घूमिए। गया हूँ भाई, अभी शूटिंग के लिए गया हूँ। अच्छा, बहुत प्यारी जगह। और गाइस मैं बता दूं, मैं 2 हफ्ते हो गए मुंबई आए हुए, लेकिन अब आज मुझे लग रहा है कि मैं मुंबई में हूँ, क्योंकि सर से मिल रहा हूँ, मैं पहली बार किसी एक्टर से मिल रहे हैं। और ये समंदर है भाई, ये मुंबई की पहचान है, ये यही है, ठीक है। और सर मिलेंगे हमेशा, यहाँ पे मैं मिलूंगा ही हमेशा, इसलिए मुंबई और प्रदीप काबरा, समंदर और प्रदीप काबरा दोनों का मेल है, और सर का मेल हो गया, ठीक है। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। अच्छा तो गाइस ये थे कि मज़ा आ गया मिलके, ये अमित भैया मिलवाए हैं क्योंकि कॉन्टेक्ट नंबर भी है इनका, क्या नाम था इनका? प्रदीप काबरा। गाइस आपने देखा होगा वांटेड मूवी में, क्योंकि ये जाते हैं ऐसे कॉलर पकड़ते हैं सलमान खान को, बोलते हैं राधे कौन है। हाँ भैया वही ना, तो मज़ा आया गाइस मिलके। ऐसे अगर भैया बोल रहे, अगर 2-3 दिन तू और रुकता तो और भी अभिनेता ऐसे अभिनेत्री एक्टर हैं मिलवाता, लेकिन इतना बहुत है भैया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत मजा आया। मैं फोटो नहीं लेता ना, मुझे तो सब जानते हो, मैं फोटो लेके क्या करूँगा, जब तू है दोस्ती यार। अरे अरे हाँ, तुझे मिलकर तेरे साथ फोटो, तुझे फोटो चाहिए तो मैं दिला देता, इतना बहुत है, फिर कभी समय निकाल के आते हैं, जल्दी इनके साथ काम नहीं करेंगे। अच्छा इनके साथ, और गाइस बात भी हो रही थी अमित भैया के शायद वीडियो में आएंगे काम करने के लिए, वही बात हो रही थी, और पहले भी बात हुई थी। हाँ भैया इनके
तो आप लोग चैनल भैया का सब्सक्राइब करिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं भी डालूंगा। और देखिए भैया काफ़ी अच्छी वीडियो बनाते हैं और मैं इन्हीं से देख के सीखता हूँ और पूछता भी हूँ भैया ऐसे ऐसे करना है, क्या करूँ क्या नहीं। तो ये बोले तब मैं स्टार्ट किया हूँ ब्लॉग। तो बढ़ते हैं गाइस फ्लैट के तरफ। काफ़ी देर तक हम लोगों ने घूम लिया, मुझे भी घर जाना है, तो काफ़ी मज़ा आया बीच पे। मजा आ गया कि नहीं हुई? अरे मजा आ गया। अपनी तरफ कैमरा देख करके बोलना, मुझे मजा आया कि नहीं? मजा, पूरा भरपूर मजा, जितना समुंदर में पानी है उतना मजा। अरे यार गया खत्म, बाय बाय टाटा। गाइस ये मत समझिए कि अमित भैया जो सूज हाथ में लेके चल रहे हैं कोई चोरी हो जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। ये तो इसी के मारे पानी आ जा रहा है ऊपर कट्ठे में भाई। भाग रहे हैं अमित भैया। तो बढ़ते हैं गाइस अपने फ्लैट की तरफ। मैं भी भीग चुका हूँ, घर जाते भाभी बोलेंगे ये क्या भीग के आ रहे हो, तबीयत खराब हो जाएगी। तो चलते हैं वहाँ पे पैर वगैरह धो लेते हैं क्योंकि यहाँ पे बालू नहीं है, पूल है छोटा सा। मजा आ गया बीच पे घूम के, मजा आ गया अमित भैया, मजा आ गया पूरा भरपूर मजा, लहरों के साथ मजा। ये फिर से पानी, अरे वो तेरी बहुत ही खतरनाक है गाइस, अगर देखा ना जाए तो लहरें खींच ले जाती हैं, तो सतर्क होकर यहाँ पर वीडियो बनाए आप आए तो। ये देखिए लहरें कितनी भयानक लहर, काफी डर लगा। तो बढ़ते हैं गाइस फ्लैट की तरफ भैया के साथ। गाइस फ्लैट की तरफ बढ़ते बढ़ते भैया ने एक चीज़ और दिखाया मुझे, ये जो सामने फ्लैट देख रहे हैं भैया क्या बताया हमने, कौन से प्रियंका चोपड़ा रहती है, प्रियंका चोपड़ा रहती हैं अभिनेत्री, अभी तो फिलहाल यहाँ है नहीं, उन्होंने विदेश में शादी कर ली। किससे? निक जोनस से गाइस। तो काफ़ी अच्छी अच्छी नई नई चीज़ें देखने को मिल रही हैं मुंबई में। ये रहा फ्लैट, बहुत सी फ्लैट है जो अभिनेता अभिनेत्री रहते हैं। भैया बोल भी रहे थे कि रुको उसके बाद दिखाते हैं, लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद भैया जो इतना समय आपने मेरे लिए दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बढ़ते हैं फ्लाइट की तरफ, सैली भाभी इंतज़ार कर रही हैं। मैंने भाभी से ही बोला था कि भाभी चलिए, लेकिन नहीं, छोटा हीरो है तो उसको भी संभालना है। फाइनली गाइस हम लोग आ गए हैं अमित भैया के फ्लैट में और मैं थक चुका हूँ काफ़ी, 2-3 घंटे से हम लोग घूम रहे हैं बीच पे और ये आ गए फ्लैट में। भाभी जी नाश्ता तैयार कर दी है सुबह भी, गाइस थक गए हम लोग, भैया आते ही सीट ग्रांट किए हैं मैं भी। और ये आपको दिखा दूँ, ये छोटे हीरो का सबसे बेस्ट चैनल है, ये फेवरेट चैनल है। जब भी ये रोता है ना अमित भैया के पुत्र, जब भी ये छोटा हीरो रोता है बस ये चैनल लगा दो, बस अपना काम खत्म, टेंशन खत्म। हाँ भैया, और भाभी ये किचन में है। भाभी जी मैं निकलने वाला हूँ घर। भाभी जी सुबह सुबह नाश्ता तैयार किए हमारे लिए, थैंक यू सो मच। गाइस बहुत ही मज़ा आया अमित भैया से मिलके एंड सैली भाभी से मिलके, बहुत ही मज़ा आया। और मैं निकलता हूँ अभी घर के लिए, भैया चलते हैं, हैं उदास हैं मेरे कम पर मेरे जाने का। ठीक है भाभी मिलते हैं, बाय 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 गाइस, बाय हीरो, चलते हैं गाइस।